The IMA या Indian Military Academy एक प्रीमियर मिलिट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है जो कि देहरादून उत्तराखंड में लोकेटेड है. इट इज अ प्राइमरी ट्रेनिंग अकेडमी फॉर ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन आर्मी एंड प्रोवाइड्स ट्रेनिंग फॉर बोथ परमानेंट कमीशन एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स. द अकेडमी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1932 एंड हैज अ रिच हिस्ट्री ऑफ प्रोड्यूसिंग सम ऑफ द इंडियाज फाइनेस्ट मिलिट्री लीडर्स. अब बात आती है द ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी या OTA की, तो OTA इज ऑल्सो अ मिलिट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन विच इज लोकेटेड इन चेन्नई तमिलनाडु. अनलाइक द IMA जो कि परमानेंट और शॉर्ट सर्विस दोनों तरह के कमीशन के ऑफिसर्स को ट्रेन करता है, OTA एक्सक्लूसिवली ट्रेन्स ऑफिसर्स फॉर द इंडियन आर्मी शॉर्ट सर्विस कमीशन. OTA वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1963, 31 ईयर्स आफ्टर IMA एंड हैज सिंस बीन अ क्रूशियल ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर ऑफिसर्स हु सर्व द इंडियन आर्मी फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ की डिफरेंसेस जो कि इन दो इंस्टीट्यूशंस में है. वैसे तो ये दोनों ही इंस्टीट्यूट्स प्रीमियर लेवल की मिलिट्री ट्रेनिंग हमारे ऑफिसर्स को प्रोवाइड करती है, चाहे वो परमानेंट कमीशन के हों या शॉर्ट सर्विस कमीशन के, लेकिन फिर भी कुछ मेन डिफरेंसेज हैं जो इन्हें एक दूसरे से अलग बनाते हैं. तो आइए उन्हें पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं. लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब नाउ. You can now get a free SSB course under the guidance of Major General Bhakuni at SSB Short Shot Academy if you attend any of our written courses for NDA, CDS or FCAT. Attend 4-5 lectures daily and prepare with study material, mentor support, weekly feedback, mock tests and guidance by officers in our lush green 28-acre military campus. Call us now on 725-930-7111 for queries and registrations. Now let's get back to the video. First point is duration of training. One of the main differences between IMA and OTA is the duration of the training programs. जहां IMA एक longer training program offer करता है जो कि 18 महीनों का होता है, वहीं OTA एक short training program offer करता है जो कि सिर्फ 49 weeks का होता है. Second difference between commission. Although ये दोनों entries graduation के बाद offer की जाती हैं, लेकिन हम सबको पता है कि IMA परमानेंट कमीशन ऑफर करता है, वेयर एज OTA सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफर करता है. तीसरा पॉइंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू IMA एंड OTA आर ऑल्सो डिफरेंट. टू बी एलिजिबल फॉर IMA, कैंडिडेट्स मस्ट हैव अ बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. उनको CDS एग्जामिनेशन में मैथ्स का पेपर भी अटेम्प्ट करना पड़ता है. जहां OTA कैंडिडेट्स को भी सिर्फ बैचलर डिग्री चाहिए होती है, लेकिन वहां पर सिर्फ GK और इंग्लिश के एग्जाम के थ्रू ही एंट्रेंस मिल जाती है. फोर्थ पॉइंट इज फोकस ऑन ट्रेनिंग. Another difference between the two institutions is the focus of their training programs. IMA places a greater emphasis on developing leadership skills and tactical training, whereas OTA focuses more on the basics of military training and physical training. यहाँ एक बात का गौर करना जरूरी है कि दोनों ही लेवल की ट्रेनिंग में मिलिट्री इंटेलिजेंस का कोई लेना देना नहीं है. चाहे ऑफिसर OTA से पास आउट हो या IMA से, दोनों की मिलिट्री नॉलेज ऑलमोस्ट इक्वल ही होती है. नाउ लेट्स कम टू द सिलेक्शन प्रोसेस. सिलेक्शन प्रोसेस मोर और लेस IMA और OTA का सेम होता है. दोनों में ही आपको रिटन एग्जाम देना होता है और SSBs भी फेस करनी होती है, जिसके बाद एक मेडिकल टेस्ट भी होता है. उसके बाद ही आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है. सिर्फ सिलेक्शन प्रोसेस में इतना डिफरेंस है कि OTA में आपको CDS का मैथ्स पेपर अटेम्प्ट नहीं करना होता, वहीं IMA के लिए आपको मैथ्स पेपर की कट ऑफ क्लियर करनी पड़ती है. अगला पॉइंट आता है एज लिमिट का. द एज लिमिट फॉर एडमिशन टू IMA एंड OTA इज स्लाइटली डिफरेंट. कैंडिडेट्स फॉर IMA मस्ट बी इन बिटवीन 19-24 ईयर्स ऑफ एज एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, वेयर एज जो OTA के कैंडिडेट्स होते हैं उनको 19-25 ईयर्स तक की एज गैप का होना चाहिए एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कोर्स. जहां तक IMA की बात आती है तो IMA सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को ही एक्सेप्ट करता है, वहीं OTA इज ओपन टू बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स. सो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट द इंडियन मिलिट्री अकेडमी एंड द ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी आर टू प्रेस्टीजियस मिलिट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, ईच विद इट्स ओन यूनिक फीचर्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. व्हाइल द IMA ऑफर्स अ लॉन्गर ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड फोकसेस ऑन डेवलपिंग लीडरशिप स्किल्स एंड टैक्टिकल ट्रेनिंग, the OTA offers more or less the same with a shorter training program. Additionally, IMA offers both permanent commission and short service commission, while OTA only offers short service commission to the officers. But ultimately, ये choice सिर्फ एक individual पर depend करती है कि वो अपने career के aspirations कैसे रखता है और उसकी personal preferences क्या हैं. इसी के basis पर वो अपनी choice select कर सकता है कि वो IMA में जाना चाहते हैं या OTA में जाना चाहते हैं. आई होप ये वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी. अगर लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अपने थॉट्स और शॉर्ट शॉर्ट अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस और आगे लाते रहेंगे. जय हिंद.